हेलो फ्री डॉक्टर्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक, और आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश के थर्ड रैंक वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज, यानी एम्स को जो कॉलेज टक्कर दे रहा है उसी की बात करेंगे, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज सफदरगंज। जी हाँ, नाम तो आपने सुना ही होगा, और क्यों सुना ना हो, क्योंकि एक ऐसा कॉलेज भारत देश का जो कि एम्स कॉलेज को दे रहा है टक्कर अपनी बेहतर फैकल्टी मेम्बर से, अपनी बेहतर एजुकेशन प्रणाली से, और फीस भी एम्स से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आपके वन मंथ के पॉकेट मनी से कम है इस कॉलेज की फ़ीस। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ऑफिशियल साइट है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की, और आपको काफ़ी कुछ दिख रहा होगा कि क्यों ये कॉलेज देश का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। पॉलिटिकल प्रोचेस, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या मेडिकल स्पेशलिस्ट या भी जितने भी जिनको मेडिकल का नॉलेज है, सभी का मानना है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज बेस्ट कॉलेज है। हर एक बच्चा चाहता है कि यहाँ से MBBS करे। दोस्तों, आइए देखते हैं कुछ फैक्ट्स कि क्यों मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, क्या आप MBBS यहाँ से करें, कितनी सीटें आपको यहाँ मिल जाती हैं, कैसे एडमिशन होता है, और क्या फीस स्ट्रक्चर है इस कॉलेज की। आज की वीडियो में हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा अंत तक, कहीं भी इसकी मत लीजिएगा। बिकॉज अगर आपका सपना MBBS करने का है, तो मैं चाहता हूँ कि आप देश के बेस्ट कॉलेज से MBBS करें, ताकि आपके सपने और बेहतर तरीके से साकार हो सके। तो आइए देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन और जानते हैं कॉलेज के बारे में। सबसे पहले बता दें कॉलेज के बारे में दोस्तों, तो कॉलेज की स्पेशल क्वालिटी क्या है कि यहाँ पर चार आपको मिल जाते हैं एसोसिएट हॉस्पिटल्स। जी हाँ, मेडिकल की जो न्यू होती है ना, वो होते हैं हॉस्पिटल्स। मेडिकल में अगर आपको सीखना है, तो आपको नंबर ऑफ पेशेंट नंबर OPD चाहिए, प्लस थ्योरी के साथ में बेहतर प्रैक्टिकल क्लासेस चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग जितने हॉस्पिटल्स आपके कॉलेज के होंगे, जितने नंबर ऑफ पेशेंट होंगे, उतने ही बेहतरीन डॉक्टर बन के निकलेंगे आप। तो दोस्तों, सबसे पहली बात बता दें कि टोटल चार हॉस्पिटल जो कि अभी तक अटैच हुए, जिनमें से मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, लोक नायक हॉस्पिटल, GB पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, और गुरु नानक आई सेंटर, ये आपको मिल जाते हैं चार डिफरेंट हॉस्पिटल्स। आप देख रहे हैं कि अगर चारों से आप आपने सिक्स मंथ का भी प्रैक्टिस सेशन ले लिया, तो शायद आप इस दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर बन सकते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं कॉलेज की जुड़ी साइट्स कुछ इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आपको बता दें कि द इंस्टीट्यूट इज़ करंटली रैंक थर्ड। जी हाँ, देश का थर्ड रैंक का वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, और इस चीज़ को इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया और कई चैनल्स ने भी एक्सेप्ट किया है। दोस्तों, बात करें हाँ पहले दोस्तों, तो यहाँ पर 2800 यानी 2800 जो है बेड का हॉस्पिटल है, और लगभग 7200 डेली पेशेंट आते हैं, यानी 7200 पेशेंट डेली यहाँ पे आते हैं, और 47 ऑपरेशन लगभग यहाँ पे डेली चलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें पोस्ट ग्रेजुएट की, तो यहाँ पर 245, और अंडर ग्रेजुएट यानी MBBS की जो बात करें, तो यहाँ पर 290 सीटें हैं अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करना चाहते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर 245 सीटें हैं। इसके अलावा आपको बता दें, ट्रेनिंग के लिए 426 फैकल्टी मेंबर्स और 8-10 रजिस्टेंट डॉक्टर्स। तो आप देख रहे हैं कि पहली चीज़ तो देखिए कितने डॉक्टर्स आपको यहाँ पर रजिस्टर करते हैं, जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपके सीनियर्स रहेंगे, तो आपको वो बेहतर जानकारी दे सकते हैं, मेडिकल की एबिलिटी सिखा सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में, और तब से ये लगातार जो है बेहतर सुविधा दे रहा है, और जो है हर बच्चे को एक हर वो चीज़ मिल रही है जिसके लिए वो MBBS करना चाहता है, और इसीलिए कॉलेज ये एम्स को टक्कर दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपको इस कॉलेज से एडमिशन करना है, इसमें MBBS करना है, तो उसके लिए आपको देश का इकलौता मेडिकल एग्ज़ाम नीट एग्ज़ाम देना होगा। जी हाँ, अगर आपको इस देश में किसी भी कॉलेज से MBBS करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है, नीट एग्ज़ाम। इसके अलावा आपको कोई एग्ज़ाम देना नहीं होता है, और नीट एग्ज़ाम के रैंक के अकॉर्डिंग आपको ये सभी कॉलेज एडमिशन के थ्रू मिलते हैं। दोस्तों, नीट एग्जाम के लिए आपको पता ही है कि अगर आप 10+2 क्वालिफाई हैं 50% से अधिक मार्क्स के साथ, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप अपेयरिंग हैं, तो आप ये प्लान करें कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 50% से अधिक मार्क्स आए, तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इस एग्ज़ाम में टॉप रैंक जो बच्चे होते हैं, उनको मिलता है एम्स मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेजेस। जी हाँ दोस्तों, एम्स हो या मौलाना आज़ाद हो या जितने भी टॉप 10 रैंक कॉलेजेस हैं, यहाँ पर आपको अच्छे नंबर लाने होंगे, तभी MBBS मिलेगा। दोस्तों, बात करें कट ऑफ के बारे में, मौलाना आज़ाद के बारे में, दोस्तों यहाँ पे आपको जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए वो 620 से अधिक होने चाहिए। जी हाँ, पेपर की डिफ़िकल्टी के बेस पे अगर कट ऑफ कम जाती है, तो वो अलग कंडीशन है। अदरवाइज़ जो
टॉप 1000 रैंक के बच्चे होते हैं वो प्रेफर करते हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, और उनको ही कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होती है। अगर आप बिजनेस कैटेगरी में आते हैं तो रिजर्वेशन ले सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप जनरल हैं तो आपके नंबर 5620 से अधिक होने चाहिए, तभी आपको देश का ये थर्ड वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा अच्छी चीज़ का है बेहतरीन कैंपस प्रणाली, एंटी रैगिंग चीज़ें और हॉस्पिटल के साथ में बेहतरीन टीचर्स की फैकल्टी जो आपको मेडिकल की एबिलिटी सिखाएंगे बहुत आसानी से बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो उस अकॉर्डिंग देश का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। दोस्तों फीस की बात करें तो फीस आप यूँ समझिए कि आपके वन मंथ के पॉकेट मनी से भी सस्ता है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का वन ईयर का फीस, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज की फीस यूँ तो बहुत कम होती है क्योंकि एम्स को टक्कर दे रहा है, तो एम्स से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आपके वन मंथ के पॉकेट मनी से भी कम पे आपको मिल जाएगा MBBS। जितना आप वन मंथ में खर्च करते हैं उससे कम फीस पे आप वन मंथ के यहाँ वन ईयर की फीस को सबमिट कर लेंगे दोस्तों। सबसे बड़ी बात क्या है कि वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, तो आपको यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है जो एक बच्चे को रिक्वायरमेंट, चाहे वो फैकल्टी मेंबर हो चाहे वो हॉस्पिटल के मेंबर्स हो। तो दोस्तों आज इतना ही, आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जितनी भी आपकी क्वेरी हो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपकी हमारी क्वेरी का आंसर देंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी का भी सपना मौलाना आज़ाद एम्स KGMC जितने भी टॉप रैंक मेडिकल कॉलेज नहीं होने, ताकि आपको भी आपका सपना साकार हो सके और आप देश के बेस्ट डॉक्टर बन सकें। तो दोस्तों आज इतना ही, आप सभी को क्या पसंद है, कौन सा कॉलेज पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें, हम भी देखते हैं कि आपकी कैसी चॉइस है, और आपको बताते हैं कुछ अगर कोई डिफरेंट कॉलेज है तो उसके बारे में कि आखिर वो कॉलेज बेस्ट क्यों है, आप वहाँ से MBBS क्यों करें। आज तक दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।